है परनामा। सरब काट माल का सरब प्रेत पाल का सरब दुख दाल का करा मैं तेनु वंदना। सरब पर काचिया सरब दुख नासिया तू काट पाव फंदना। पता दवार दे जल बुद्ध कर देशन दा चरास पाल दे फुरे जो मत मंदना। रास होवे मान बुद्ध वास होवे संगता च जस होवे वासना जो चंदना। बदे जमी आसमान खड़े तेरे बाल नाल ब्रह्मे वेदा नू विचारिया। बाल नाल पाले विष्णु 84 लाख तेरे बाल नाल करे शिव जी संघारिया। तेरे बाल नाल चन सूर पर का बाल नाल चुके शेष नाग पारिया। सम्राट तेरी कथनी अकथ तार सीस उत्ते हाथ खोल काव दा पढ़ारिया। सतरु नु पै जी दा मान है नमाणिया नु जिस दे प्यार विच। पुत्र उत्तम मेवा चाकर करन सेवा चल दा विहार रहे जिस दा बाजार विच। लाभ है व्यापार विच कीर्ति है यारा विच सील गुण रूप मानो जिस दी है नार विच। प्राप्त जिउण सिंघा भोग दा सुरग बंदा सदा संसार विच। सोग रहत है शरीर जिस आदमी दा कर दी रचित काव जिस दी जुबान है। स्वच्छ कीता आत्मा प्रताश कीता विषया नु पछ कीता साखी भगवान है। तू सवाली आया मोड़ दा नी खाली किते अड दा नी ताली हथों करदा जो दान है। सदा पूजिए जिउण सिंघा सोई इंसान मानो देवते समान है। अभिमान फिका बोल दा जबान पाए सभा च ना मान नाही विद्या दी आसी। हरामी चोर माड़े नू जनावे जोर हेर दा कठोर होर कात विश्वासी। दलिदरी सोगी महाशिदरी खिदरी कलैणी कर दासी। 14 अवलक्षण ज्योण सिंघा भोग दा नरक सदा नरका दा वासी। सोई जेड़ा जान कुर्बान करे सतरु है सोई जी दा सदा चलंत हुए जोन सिंघा रवि करे जग प्रकाशिया। प्रीत सोहे रण विच जीत सोए चढ़ दी जनेत नाल गभरू सुहाम दे। प्रीत सोहे रण विच जीत सोए चढ़ दी जनेत नाल गबरू सुहाम दे। साज नाल राग सोए फल नाल बाग सोए ताल ना निरतकार कदम उठाम दे। इत्तफाक ना जोन सिंघा सोम दे सुहागणा दी गोद विच बाल सुभा पाम दे। फुल्लां दी सुगंधी दी कदर हुंदी भौरियां नूं चन्न दी कदर जिवें कर दे चकोरिया। कदर दिनेश दी हमेश हुंदी घटां दी कदर सदा कर दे ने मोरिया। मेहनती नूं होम दी कदर पर शारथ दी जग दी शमा ते परवाने हुंदे डोरिया। कदर पौंदे चातर ज्योण सिंघा मूर्ख समझदे ने कविता नूं छोरिया। दीवान आखदे ने मूर्खां दे राज नालों फकरां सियाणिआं दे तड़े रहना चंगा ऐ। विच लाभ भावे सच विच हाण होवे सच्ची गल उत्ते तां वी अड़े रहना चंगा ऐ। लोभ विच आके कदे वेचिए अमान नूं ना अपनी जमीर उत्ते खड़े रहना चंगा ऐ। महामूर्ख जनानी नालों कवि कह ज्योण सिंह छड़े रहना चंगा ऐ। हाथ कलम उठावा फते शहरी विच पावा मेहरबान हो जा सारदा। सोभ है पुत्री नैणा दे विच पुत्री समान हो जा सारदा। ना करीब दा सतारा हो नसीब दा सदाली मेरी जीव दा बयान हो जा सारदा। विघन मका पा दे कविता दे आ तू कनठ मेरे आ ब्रा मान हो जा सारदा। सत पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे होए परम सन्मान योग सत्संगियो अपनी अपनी रसना पवित्र करिए ते सारे एक बार गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज। गुरबाणी विच गुरु साहबां ने एक शब्द द्वारा फरमाया है दर्बवंत दर्ब देख गरबा।
भूमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारे जैसा बेत तैसा हो वरते अपना बल नहीं हारे। हर मनुख अपनी जिंदगी दे दिन बतीत करन लई कोई ना कोई ओट आसरा संसार विच लभदा है बनाउंदा है ते गुरु साहब कहिंदे ने जी दी कोई ओट तक रहे ओट तकन वाले भी अमदाद करता है पे अपने बल अनुसार जिनी किसे ताकत है जिनी कोई अमदाद कर सकता है ओनी करनी है ना ओदू वध किवें कर सकता है। इसे तरह ही साहब कहिंदे ने किसे नू भरा दा आसरा है किसे नू सज्जन मित्र दा आसरा है किसे नू पिंड दे किसे चलदे बंदे दा आसरा है किसे नू एमएलए दा आसरा है किसे नू एमपी दा आसरा है किसे नू किसे मिनिस्टर दा आसरा है। हर मनुख कोई ना कोई आसरा बना के दिन बतीत कर ते साहब कहिंदे ने जिस तरह दुनियावी लोग आसरा दुनिया दे लोकां दा तकदे है इस तरह ही परमेश्वर दे प्यारे जिहड़े त्यों हर जन टेक स्वामी परमेश्वर दे प्यारे जिहड़े है ओ परमेश्वर दा आसरा तकदे है। मैं अर्ज करना अज दे प्रसंग विच भई किहड़े मनुख ने आसरा तकिया ते किड्डा का आसरा तकिया ते उहदी इमदाद किन्नी होई ए अज दे प्रसंग विच अर्ज करना। सो स्त्री पति घर विच बैठे एक दूजे नाल सवाल जवाब करदे ने। स्त्री कहिंदी है पति जी घर च गरीबी है आपां ते गरीबी दे दिन बतीत कर ले भुख नंग सह के पर मासूम बच्चियां दी जिहड़ी तकलीफ है वह वेखी नहीं जाणी। पंजाबी दा कवि कहिंदा है दो रोज हो गए लब्भा खाण नूं नहीं बच्चे रो रो छोर मचाण लगे भुख धुप दे वांगरां लिशकदी है चेहरे फुल गुलाब मरझाण लगे लप दाणियां दी माता दे सानू विलक विलक के ते तरले पाण लगे दशा वेख सुदामे दी स्त्री दे रो रो अखियां चों हंजू जाण लगे। रब्बा रहम कर तू साडे हाल उत्ते हंजू खून दे नैण पै सुटदे ने दुख पाण तेरा नाम जपण वाले पापी ऐश बहार पै लुट देन। इहदा पति थोड़ा जा ज्यादा अस्त ख्यालां दा सी इहनू धीज देण दा यतन करदा है। अगों किहा सुदामे ने इस्त्री नू प्यारी सबर कर इन्ना घबराई दा नहीं दुख सुख अंदर राम राम जपिए इस चित नू कदे डुलाई दा नहीं नियो सारियां नू रिजक देण वाला सबर सिदक नू हथों गवाई दा नहीं। अगों इस्त्री मोड़ जवाब दिता सते होए नू होर सताई दा नहीं राम नाम दा सखना की करिए लईए उत्ते ते हेठ विछा लईए एक राम ही राम बस रही जाइए ताकि ढिड नू अपने ला लईए। पता जी पति जी जिहड़ी भुख है वह जरन शक्ति तो बाहर हो गई है ते भुख संत जी जरन शक्ति तो बाहर जदों हुंदी है बड़े बड़े हिरदे कमा दे बड़े बड़े हिरदे कमा दे। कबीर साहब जी का बयान है वह कहिंदे ने खुदिया वंत ना जानी लाज कुलाज कबोल भुखे भगत ना कीजे कहिंदा भुखिया तो नाम नहीं जपया जांदा इहो जवाब पंडतानी ने दिता है भई भुखियां तो नाम नहीं जपया जांदा। साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कोल आम एक कहावत है फरीदा मौतों भुख बुरी ते जिहड़े रोज तलियां ते सिर धड़के धड़के मैदान विच जाके ते खंडे वाहुंदे सन शहीदियां प्राप्त करदे सन भुख ने उहनां नूं मजबूर कीता। साहब गुरु गोबिंद सिंह नूं कहिंदे ने बस बस तेरी साडी बस अज तो गल्लां फोकियां विच सवार हुण ते मिंट भी असीं नहीं रह सकदे जेकर छकण दे लई प्रसाद कोई नहीं गुरु पीर रोटी भुखे आदमी दा
बिना रोटियों होर अराद कोई नहीं, भुखा इंद्रे जित दा होर सारे बाज अन्न दे फुरदी उपाद कोई नहीं। सिंबल किन्ना वडियाई विच फुलिया रहे, तोता उसते कदी पतीजदा नहीं, जे नहीं रोटी का हल सवाल होना तो साडा मन ज्ञान ते रीदा। सो बेनती कर रहे सा इसत्री की हिंदी है, पति जी मैं तुहानू एक सुझाव देनी है जिदे नाल अपनी गरीबी दूर हो जाएगी, दिन सौखे हो जाएंगे। मेरी गल जरा ख्याल ना सुनिया जी, कहिंदा चंगी गल तो दुश्मन की भी पसंद आ जाती है, तो तू तो मेरी इसत्री है, चंगा सुझाव देंगी तो भला मैं मनागा ना। इसत्री सुझाव की देंदी है, ये सुझाव नू पति प्रवान किवें करता है, इतों आप छंदोबंदी चितास आरंभ करते हैं। सुनो इस बीने कार दिस छिला, छेती करो कोई हिला, उखा मार दा कबीला है बहुत जेच जी, आसरा नी रह गया शरीर विच जी, जिने पैदा जग कीता ओ है सारे आंदा मीता, तेरा डोलिया क्यों चीता होवां दी नरासनी, उस भगवान उत्ते रख आसनी। ओ बच्चे भुखे कर लांदे मैथों जरे नहीं जांदे, फुल वांग कमा लांदे ने मासूम बाल जी, पाड़दा जी गर वेख के हवाल जी, नाम उसदा त्याइए कदी चित ना डुलाइए, फल कर्म दा पाइए ना समझ टेचनी, ओ कीड़िया नू देंदा पत्थरां दे विच नी। लोक रहने मेने मार जी दा यार अवतार, होया भुख दा शिकार मिले रुगजार नहीं, मिले रुगजार नहीं, ते खान नू नी की तो मेला दा उधार नहीं, जेरी कर्मां दी रेख मार सके कौन मेख, पेंदे भुगने ने लेख बली अवतारा नू, कर लै शुक्र छड दे विचारा नू। दुआ लोकां दा सहाई जी दे आसरे लुकाई, ओदे चारा नाच जाई करो अरदास जी, वड्डी सारी हुंदी मित्रां दी आस जी। ओ है बादशाह अमीर ते मैं कंगला फकीर, दिल धारदा नहीं धीर आवदी विचारनी, उथे जाके एवें होवा ना खुआरनी। पानी दुध दा प्यार लैंदा रंगत सदार, मुल वेकदा बाजार कर लो विचारियां, प्रीता दियां रीता हुंदियां नियारियां। ओदे कोल जे मैं जावां दस पल्ले कील जावां, जाके पेटा जोट कावां लब्बे ना करजनी, खाली हथी जावां मेरा नहीं फरजनी। छड्डो इस दी विचार तुसी होवो खातियार, ते गुआंढण जो नारी ओदे कोल जानियां, देव ना उधार मंग के लियानिया। तेरे जीवन तैयारी नाम हरी दा चतारी, ते सुदामे दी जो नारी चौला नू ले आउंदी है जी, चौला नू ले आउंदी है, पोटली बना सुदामे नू फड़ाउंदी है। इतरी सुझा दिता है, कहिंदी है लोक वेख साडी दशा देण ताने सारे जग दे विच हंसाई होवे, त्रै लोकी दा नाथ है यार जिसदा पल्ले उस दे इक ना पाई होवे। जरा कृष्ण भगवान वल जाओ ते सही, खबरे विच दरबार सुनवाई होवे, उस मित्र दी मित्रता काम केड़े औखे वक्त ना जिहड़ा सहाई हो। पति जी द्वापर युग दा अवतार, देश का हुक्मरान, त्रिलोकी नाथ भगवान कृष्ण तुहाडा छोटिया हुंदिया दा मित्र है, ते ओ समर्थ है, ना वाकफ भी ओहदे दर तो खाली नहीं मुड़दे, वो अपनियां मंगा पूरियां करके आउंदे ने, ते तुहाडा ते निक्कियां दा हुंदिया दा मित्र है, मित्र दा बड़ा आसरा हुंदा है। जाओ ये कोल अपनी घर की गरीबी दूर हो जाऊ, सोचदा है ते जवाब की देंदा, कहिंदा प्यारी परम मित्र बेचक कृष्ण मेरा, इस गल तो मैनू इनकार नहीं, धन संपदा पा के मुझ ताई होवे उसने दिता विसार नहीं।
धनवान गरीब की दोस्ती की, धनी लेंदे गरीबां दी सार नहीं, दूरों वेख के मुख पवा लेंदे होवां जाके एवें खवार नहीं। बच्चे सां बच्चियां दा मन जिहड़ा है पवित्र हुंदा है, इहदे ते माया का प्रभाव नहीं हुंदा। उदों ठीक साडा प्यार सी आपो विच, अज उह देश दा राजा है, मैं कंगाल बंदा है जिहदे घर रोटी भी नहीं पकदी। की पता सियाने कि ना जवान बंदे ते माया पै जांदी है। ये कहती है पति जी मित्रता मित्रता ही होंदी है, विद्वाना ने मित्रता ते बड़े बड़े लेख लिखे ने। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने रे मन ऐसी हरसियों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए आ वटन आपे खपे दुध को खपन ना दे। दुध ते पानी दा प्यार दसिया है, ते दुध वेचन वाला लालची बंदा विच पानी मिलाउंदा है कि चार पैसे वध वटे जान। बाजार च वेचन जांदा है ते आए पानी दा दुध सत्कार करदा है, कोल जी तुर के आया है उन्हूं अपना रूप दे देंदा है, पानी नूं दुध अपने वर्गी शक्ल बना लैंदा है। कोई सियान नहीं सकदा पानी च रहा दुध के पानी केड़ा ते दुध केड़ा। फिर बाजार च उहदी अपने जिन्नी कीमत पाउंदा है। हलवाई दुध खरीद के कढ़ाई भर के जदों पट्ठी ते धरदा है, पट्ठी ते सेक पैंदा है पट्ठी दा, ते पानियां दा मना जिस मित्र ने मेरी इन्नी कदर कराई है, जे मेरे हुंदिया सेक इहनूं लगे ते मैं फिर की होया। गुरु साहब कहिंदे ने आ वटन आपे खपे, जिहड़ी तकलीफ है वह पानी अपने ते लैंदा है ते आप खपदा है, सड़दा आप है। दुध को खपन ना दे, उन्हूं तकलीफ नहीं आउण देंदा, सड़ जांदा है पानी ते दुध वेखदा मेरा मित्र किधर गया, जां वेखदा है ते उन्हूं जापदा है कि जिहड़ी कोलियां दी पट्ठी मगदी है इहदे सेक नाल सड़ गया है, इह दुश्मन है मेरे मित्र दी। उबलदा है कड़ाई चों, पट्ठी ते हमला करन दा यतन करदा है। हलवाई घबराउंदा मना दुध उबल चलिया है, वो गड़वी फटदा है किलो दी, पानी दी भरदा है, कड़ाई च लददा है, दोवें मित्र कट्ठे हो जांदे, फिर समान हो जांदे। पति जी जाओ तुसीं, आंदा चला ते जाना पर एक शर्त ते हो की है, जे तू कहनी है अच्छा मैं चला जाना है ऐ पर आन मैं अपनी छड़नी नहीं, खुशी नाल जो देंगे लै लवांगा झोली आप मैं जाके अड़नी नहीं। कहिंदा मैं उत्थे जाके सवाल नहीं करना, मंगना कुछ नहीं। फरीद भी वो कहिंदा बार पराए बैठना, परमेश्वर किसे दे दरवाजे दा सवाली बन दे, जे तू इवें रखसी जियो शरीरों ले, मंगण नालों मर जाना चंगा है। तुलसीदास कहिंदा तुलसी कर पर कर करो, कर तल कर ना करो, जब ही कर तल कर करो तब हो मरण करो। परमेश्वरा जदों भी समा आवे किसे दे हाथ दे उत्ते हाथ धर दा, इत्थों कुछ देंदा हां, जदों किसे दे अगे हाथ डाउणा पै उहदे नाल तो मर जाना चंगा है, मौत दे दे उहनूं पहिलां। विद्वान सी पंडित, कहिंदा तकलीफ भावें किन्नियां पर मैं सवाल नहीं करना, थोड़ा जिहा सोचदी है। कहिंदी है पति जी ना करिया जे सवाल, जाओ। पंडित ने एक होर सवाल पैदा करता, भई उत्थे भेटा लोग लै के जांदे ने, साडे घर परसों तो खाण नूं कोई नहीं। मेघ बनोद एक वैदिक दा ग्रंथ है, उहदा करता लिखदा, उह कहिंदा देव दर्श गुर दर्श राय को मिलने जावत, वैद ज्योतिषी पास जाया करता है बुलावत, कही पांच जे ठोर इन्हें कर जाए न खाली, फल दिए फल पाए बात जे ग्रंथन वाली। लैके की जावा, पंडताणी गुआंढे गई, थोड़े जे चौल मंग के लियाई, उन्हें चौल एक पोटली च पाए, वो पति नूं दिते,
पती जी होर कोई कीमती भेटा ते लभदी नहीं, आ चौल मसा मंगिया होया मिले ने, ये तुसी भेटा लै जाओ ते जाओ। सुदामा भेटा लैके द्वारका नू जांदा है। सुनो अगली कवि। तुर पिया सुदामा जी धोती फटी होई तेड़ सजा के मथे तिलक लगाया ए गल दे विच जनेऊ पाके चिंता तर होया ए मुखों जपे राम दा नामा कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा क्या सोची जावे मना हुण केड़ी व्योत बनाइए कोई जुगती सोच लइए जिदा शामां दा दर्शन पाइए तंग गरीबी ने पहुंचाया नजदीक गरमा कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा फिर नगर द्वार का में फिर नगर द्वार का में पंडित वड़िया शीस चुका के भगवान दी नगरी दी तूड़ी मथे दे उते लगा के पुछदा पशवंदा जा पहुंचा शाम सुंदर दे तामा कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा बेहाल जिया अगे सिंह द्वार दे खड़िया दिल खुशी समाउंदी नहीं जा फिर नाम शाम दा पड़िया जाहो नजदीक गया पैरेदार नु दे पगम कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा दरबान ने अंदर जा दरबान ने अंदर जा एदा शाम नु आग सुनाया सुनो स्वामी मेरे जी ए है एक यार तुसा लाया चावे तुसानू मिलना यो ना कोई दसे थाम मुकाम कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा रंग मनंगा गए धोती फटी हुई तेड़ सजाई ना जुती पैरी है जापे कमला जा शदाई जी हड़बा विच टोए ने सुकै तन दे उत्तों चामा कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा होया बिहाल जिया होया बिहाल जिया जीवें खिजा बिरश ते आई है मारिया खुशकी दा नहीं कोई चेरे तेर शनाई जी कंगली जई हालत है ना कोई दिंदा है विश्रम कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा वाग नथाव्या दे जापे देवे ना कोई टोई विच शहर साडे दे एहो ज्ञान निर्धन कोई कै जीवन सिंह कवि कै जीवन सिंह कवि तकी आन तुसा दी समा तकी आन तुसा दी समा कहिंदा भगवान ताई तेरा आया यार सुदामा मिलके भगत जी स्त्री बच्चियां नूं वल द्वारका पुरी रवान होए सोचा सोचते सोचते तुरी जांदे ते गरीबी दे हथों हैरान होए बुरा हाल कीता रस्ते कंडिया ने नंगे पैर सन लहू लुहान होए आखिर मंजिला मार के चूर होके खड़े बार द्वारका आन होए भाई साहब भाई गुरदास जी सिख पंथ के महान विद्वान वह दसवीं वार विच इस इतिहास नूं लिखते ने कहिंदे बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दिलदर गवाए चलिया गिणदा गट्टियां क्यों घर जाइए कवण मिलाए मन नाल गिणतियां गिणदा जांदा सलाह करदा जांदा है भई भगवान कृष्ण दे महलां विच किवें जावांगा उत्थे वाकफी कोई नहीं मेरी पोजीशन राजमहलां च जाण वाली नहीं राजमहलां च जाण वास्ते बड़ी चंगी पोजीशन होनी चाहीदी है ते वाकफी होनी चाहीदी है
ते किन्नू आखांगा भगवान कृष्ण दा दर्शन मेला करा, क्यों घर जाइए। कवण मलाए पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। माना गल्लां करदा द्वारका च पहुंच गया, भगवान कृष्ण दे महलां दे उस दरवाजे दे सामने जाके खलो गया है, जिहड़ा शेर दे मूंह दी शकल दा बनिया होया सी। सिंह द्वार, सिंह माने शेर। सोचदा है भी संतरी नूं की आखां, लफ्ज बनाउंदा है, शब्द बनाउंदा है भई संतरी नाल किहड़े ढंग नाल गल करां। ते संतरी वेखदा है भई कंगाल जिहा बामण दरवाजे अगे खड़ा चंगा नहीं लगदा, इहनूं दबका मारां। संतरी कहिंदा पंडता, इह कहिंदा दसो जी किवें आया जी। मैं भगवान कृष्ण दा दर्शन मिला। तू की लगना भगवान कृष्ण दा जी? मैं उन्हां दा निक्किआं हुंदिआं दा यार आं। संतरी हसिआ, दो चार अपने वर्गे होर सद्दे, आओ तुहानूं भगवान कृष्ण दा यार विखाईए। इक नवीं किस्म दा ही आ गया, किसे ऐस बाहों फड़ लिया, किसे दूजी बाहों फड़ लिया, किसे बोधी नूं हथ पा लिया, किसे धोती दी कन्नी खिच लगे। भगवान कृष्ण दे मित्र नूं जी आया आखण ते दुनिया सारी इको जी नहीं हुंदी। इक नां दे महल मकान खड़े, इक नां नूं कुल्ली नाहीं जुड़े, इक बदल नित पछाके नूं, इक तरसन लीड़े पाटे नूं, इक तुरे तरंग नचाउंदे ने, इक जुत्ती तक ना पाउंदे ने, इक हसण खेडण ढीकण पै, इक विच गरीबी चीकण पै, इक नां नूं भजन जरूरी है, इक नां दे सिर मगरूरी है, इक खांदे पींदे मरदे ने, ते इक भुखे ही मौजां करदे ने। कोई पापी कोई सतसंगी है, ते दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी है, नुकता चीनी विच रंगी है। कोई सब नूं खुश नहीं रख सकदा, हर पासे इहो तंगी है। जे कोई चुप चुपाता बैंदा है उहनूं नास्तिक सब जग कहिंदा है, जे माला कोई फड़ लैंदा है उहनूं लोक कहण इह ढंगी है, जे कोई चिट्टे कपड़े पाउंदा है ओह फजूल खर्च खवाउंदा है, जे सादा लिबास बणाउंदा है ते कहण पैसे दी तंगी है। दुखिया तूं कित्थों गाज़ी, इह दुनिया तिलकणबाज़ी है, कोई किसे उत्ते ना राजी हो, जान सूई ते टंगी है। हर मनुख ने मनुख दा सुभा परमेश्वर ने वखो वख बनाया, सकिया भरावां दा सुभा एक जिहा नहीं हुंदा। कोई चंगे सुभा दा पुरश आ गया, उह आंदा इहनूं गरीबड़े जिहनूं खिच्ची फिरदे हो, अखे आंदा मैं भगवान कृष्ण दा यार आं। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛਡਾਇਆ ਪੰਡਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਤਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਆਂਦਾ ਸੱਚੀ ਇਸ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਰਤੋ। ਪੰਡਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਂਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਸਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਨਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਾ ਸੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਈ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਬਤਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਤੇ ਉੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੀੜਾ।
ਜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਛਦਾਈ ਜਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵਦਾ ਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਡੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਸ ਪੱਗਾ ਨਾ ਝੱਗਾ ਤਨ ਪੈ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਣ ਬਸਿਓ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮਾ ਧੋਤੀ ਫਟੀ ਦੋ ਫਟੀ ਸੇ ਫਟੀ ਨੈ ਪਾਇਨ ਪਨਹੀ ਕੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਣ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਕੋ ਦੁਰਬਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਸਦਾ ਬਰਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖਾ ਕੰਗਾਲ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੋਟ ਸੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਏ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਵਸਤ ਸੁਧ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦ ਫੁੱਲਿਆ ਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਉਂਦਾ ਓ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਹੁਲਾਸਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਹ ਕਰਦਾ ਤਨ ਭਾਗ ਗਾਇਆ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੀਸ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਮਹਾਮਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਬਲਾਸਿਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਤਨ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਤਪੱਸੀ ਸਾਗਰ ਗਿਆਨ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਨੀਆਂ ਦਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਲੈਂਦਾ ਚਿਰ ਨਾਮਤ ਚਰਨ ਧੋਏ ਕੇ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਚਰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਮੰਦਰ ਸੰਜੋਏ ਕੇ ਛੱਡ ਵੱਲ ਛਲ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦਾਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਖਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੈਦ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਸੁਦਾਮੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰਾਪ ਜੋ ਆਂਦਾ ਨਾਲੇ ਚੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਛਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋਂਦਾ ਨਰਾਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਖਿੱਚ ਪੋਟਲੀ ਅਲਾਏ ਤੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਤੇਜ ਵਾਸ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਏ ਕਾਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂਦਾ ਆਦਤ ਨਾ ਅਜੇ ਪਿਛਲੀ ਭੁਲਾਵਾਂਦਾ ਓਏ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਆਸ ਆ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਆਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫੱਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਮਾਤੀ ਦੀ ਪੱਪੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮਿਟ ਗਈ ਪਿਆਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਣ ਰੁਕਮਨੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੁਣ ਲੋ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਬਸੁੱਧ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਿਆ ਕਰ ਲੋ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਰਾਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਛੰਦ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਓੜ ਚਾਲ ਜੀ ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਗੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਿਤ ਕੰਗਾਲ ਜੀ ਕਵੀ ਜੋ ਸਵਿੰਦਰ ਹੈ ਸਭਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ
सुदामे दे चरणा ते सिर धरिया परिक्रमा कीतियां गलवकड़ी पा के मिले। किसे विद्वान दा कथन है मित्र मिलाप की है, तुसी राह गली किसे बाजार विच तुरे जांदे हो, अगो तुहाडा को साख संबंधी या सज्जन मित्र तुरिया आउंदा है, तुहाडे दो नेत्र उहनूं वेखणगे, उहदे दो नेत्र तुहानूं वेखणगे, चौहां नेत्रां दा मिलाप हुंदा। कवि कहिंदा चार मिले चौसठ खिले भया बीस का जोड़। जदों दर्शन मेला हुंदा है हिरदे च खुशी ते चेहरे ते खड़े खेड़ा आउंदा है, बत्ती दंद अपने बत्ती आउण वाले मित्र दे चौठ दंद खेड़े च आ जांदे है। नेड़े होए हथ मलाया दस उंगला अपनियां, दस आउण वाले मित्र दियां वीहां उंगलां दा इकट्ठ होया। गल लग के मिले शरीर दे रोमां दी एक मनुख दे रोमां दी गिणती वैदिक वाले ने साढ़े तीन तीन करोड़ लिखी है। गल ला के मिले ते दोवां मित्रां दे रोम किन्ने हो गए सात करोड़। साजन सो साजन मिले फूले सप्त करोड़। यही दशा भगवान कृष्ण ते सुदामे दी है। सुदामिया तू कदे मिल नहीं आया इन्ना चिर लाता ही। आंदा जी फिर भी ते मैं ही आया ना दोस्ता, तेरा बड़ा एहसान आया। अंदर यार नू मान दे नाल आंदा हथी उसकी सेवा कमाण लगे। वेखो नाथां दे नाथ प्रेम अंदर दोवें भगत दे चरण दबाण लगे। उच्चे आसन दे उत्ते बिठाल के ते मल मल आप इशनान कराण लगे। परने नाल पिंडा उहदा पूंजदे ने सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाण लगे। शर्म नाल सुदामे ने किया अगों सिर मेरे एहसान चढ़ावदे हो तुसी नाथां दे नाथ में एदम पापी उल्टी गंगा के प्रभु गो। अगों हस के कृष्ण भगवान बोले मित्र बड़ा आनंद आ जांदा है, त्रै लोकी मैं तेरे तो वार देवां। अज दिल मेरा एहो चाहुंदा है मैं भी उस नूं सिमरदा रहां हारदा वां। दिन रात जो मैनू ध्यावदा है गल्लां करदिआं चौलां दी पोटली ते ध्यान कृष्ण जी दा पै जांदा। सुदामे ने जल पानी छकिया कपड़े बदले, जिहड़े चौल लग्गिआ सी पोटली विच ओह ऐसे ढंग नाल बगल च दबाए ने दिसण नहीं दित्ते। आंदा मना बड़ियां बड़ियां कीमती भेटा इत्थे लोक लै के आउंदे ने ते मैं इन्ने क चौल भेटा धरी ते इन्हां दिआं नौकरां चाकरां दिआं नज़रां चों गिर जावांगा भई भगवान ने किन्ना सत्कार कीता है ते इन्ने भेटा की धरी। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਸੁਦਾਮਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ गरीबी की वजह करके, तुहानू कोई याद आ तो सुनाओ। सुदामिया मैनू तो सारिया ही याद ने, मैं तेरे को सुन के आनंद लेना चाहना है। पातशाह कोई गल शुरू करो खरे मैनू भी चेते आ जाए। सुदामिया पता ही अपना आप सुदीपन गुरु को छोटे होंगे पढ़ते होंगे से आंदा जी ये तो पता है ना पता हों तो आ क्यों यो गल तो मैनू लिया ही है। दो विद्यार्थियों की ड्यूटी होंगी सी दो पंडा लंघन दी लंगर वास्ते बालन दियाँ लिया दी। आंदा जी एक दिन अपनी दुआ की वारी आई सी। आंदा जी लो वो गल तो मैनू सारी याद आ गई। फिर गां तू सुना कहिंदा जी रुत सी सियाल दी ते छोलियां दे दाने बना के लगाया सां। प्रोग्राम सी भी बालन कट्ठा करके दो पंडा बन के रख लांगे फिर करांगे इशनान ते फिर दाने चबांगे ते फिर पंडा चुक के आ जांगे। आ प्रोग्राम बना के गए जंगल च गए एक सुका जिहा रुख आया जिहदे ते तुरत फुरत बलन वाला बालन सी। तुसां आखिया सुदामिया बालन बड़ा सोहना है, मैं आखिया जी लाओ फिर तुसीं बालन लाउण चढ़ गए मैं रुख ने मोढ़े नाल बह के दाने चबण लग पिया। गल ते आ ही सुननी चाहुंदे हो ना। तुसां बालन ला लिया
ते खड़का वावा हुंदा है कि छोलियां दे दाने चबियां होए। कृष्ण कोल भी खड़का पहुंच गया ते पुछदे सुदामिया की करदा है, आंदा जी करना की है, माड़ा शरीर आ, ठंडी वाह वगदी है ते ठंड नाल गंदोड़का वजदा है, कोई खतरे वाली गल नहीं, वाल छाल वाली गल नहीं भाई, तुसा मेरे झूठ ते इतबार कर लिया, बालन ला लिया, पंडा बन के रख लिया, तुसा आख्या सुदामिया हुण शनान करिए, आंदा मैं सोचिया मना शनान भी कर लिया ते पाज ते फेर भी खुल जाना, जदों आख्या लिया दाने च बीए कित्थों देंगा, ते जे सच दस दिया ते सियाल च नहाउणों बच जाऊंगा। आखिया जी दाने च बन वास्ते ही नहाउणा ना, आहो ते दाने ते है नहीं, वह किधर गए, मैं उदों दाने ही जपदा हाँ कि जदों आंदे हो की करदा है। तुसां सहज सुभाव ही आख्या जा दिलदरिया, इशनान तो बगैर ही दाने चब लई, गुरमुख नाम दान इशनान। इशनान की बड़ी लंबी कथा है जे सुनाई जाए तो, हर भेख इशनान मनदी है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, इशनान सब तो पहला है, मन तन भय अरोगा। गुरु रामदास ने सिखी का दर्जा ही अमृत वेले इशनान करने वाले नूं दिता है। सो बेनती कर रहे सी जाओ दिलदरिया, इशनान तो बगैर दाने चब लई, आंदा जी तुसा तो सहज सुभाव ही आख्या से, तुहाड़ा बचन मेरे ते इन्ना वारद होया है भई दिलदर हुण तक मेरा खड़ा ही नहीं, मैं बेनती करना है पातशाह वो अपना बचन वापस ले। सुदामिया मैं बचन वापस ले लैंदा, तू सज्जन मित्र आ, पर बच्चों वाला सुभा दे तू अजे भी नहीं ना छड़ी, आंदा जी अजे तो मैं आके ही बैठा हूं, मैं तुहाडे नाल की वाल छड़ कर लिया, जिहड़े चौल लग्या सी ना इत्थे बगे भगवान दे आ की दबाई बैठा है, कुछ नहीं करन लगा। वो पोटली खोली, उहदे च पाया हाथ, चौलां दा मारिया फक्का, आए भगवान प्रेम दे नशे विच ते वरदान देंदे ने, सुनो इस प्रभु प्रेम दी लहर विच आण के ते फक्का चौलां दा इक जो मारिया ए, इहदे सारा पदार्थ जहान वाला असा इस दे उपरों वारिया ए, दूजा कृष्ण भगवान ने लाया फड़का, तीजा मारन नू हथ पसारिया ए, बारा रुक्मणी ने पिछों पकड़ लीती, प्रभु अज की चित ए हारिया ए, हो गया सुदों में सुद होके अज प्रेम दे वैण विच वही जांदे, साडे लई भी ते कुछ रहण देवो, तीन लोग दी संपदा दई जांदे। वरदान दिता कहिंदे इक लोक वारिया साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी चौ बोलियां विच लिखदे ने, उह कहिंदे ने जप तप संजम हरख सुख, माण महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार दिओ सर्व। प्रेम तो की कुछ कुर्बान किया जाता है ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਰੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, उन्हें आके बांह फट ली, महाराज ये की कर दे कंगाल जे तो दो लोग कुर्बान करते, जब पोटली च फेर आथिया
भगवान कृष्ण की सुरती मुड़ी प्रेम के नशे विचों। फिर पंडितानी ने एक छोटा जिहा कागज विच लिख के रखिया सी, पंडित ने तो मंगना कुछ नहीं, तो मना किसी उदा ही ना मोड़ावे। उहदे ते सी हिंदी का एक श्लोक देखिया, किसी एक मास दवाए होत है सो हमरे है नीत, तुम तो चतर सुजान हो राखो चीत की चीत। मास मैंने महीना, एक महीने विच दो दिन आउंदे आ किहड़े, एकादशियां। पुन्या तो बाद जदों ग्यारहवां दिन आउंदा एकादशी, अगे मसी आ गई तो उदों फिर ग्यारहवां दिन जदों आया एकादशी। महीने च इस तरह दो एकादशियां आ जांदे। पंडाणी दे श्लोक का मतलब सी भई सनातन धर्म नूं मन्नण वाले एकादशी वाले दिन रोटी नहीं खांदे, वर्त रखते। लोगों की घरी ते आउंदी आ पंद्रहवें दिन एकादशी, सो हमरे है नी, तो साढ़े घर बदो बदी रोज बड़ी रही है, खाण नू कुछ नहीं। तुम तो चतर सुजान हो राखो चीत की चीत। भगवान कृष्ण ने थले लिख दिता, पाछे दिन पाछे गए, अब न डलावो चीत, अब भगवान रखिया करें करो द्वादशी नीत। जेडे काशी वाले दिन रोटी नहीं ना खाते, काशी की कसर फिर द्वादशी वाले दिन कर। भगवान ने लिखता पिछलियां कसर ही निकल जाएगियां, इधर लिखा गया उधर हो गया। सुदामा हुण प्रशादा पानी मौजदा छकता है, सोहने कपड़े मिलते ने, सेवा करते हैं, रास मंडल देता है, तो जान नूं दिल नहीं करता किवें दिन बतीत करता है। सुनवे जदों दस दामा पुजा है द्वार का, खुला दरवाजा सुखा दे पंडार का, अगे पिछे फिर दे अनेक दासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। ओ शक्ति परकार खावदा नियामता, रहिंदा परसाना चित सुबह शामता। गोपियां दा वेखदा मंडल रासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। मखमलीक दे लिया पई मखमलीक दे लिया, ते समे रात नो बदले पशाक उठ पर बात नो। दिल विच रखे वड्डी सारी आसिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। मालो माल हो के जदों घर जावांगा, कलस लुआ के मंदर पुआवांगा। घर विच होवेगी बेअंत रासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। वड्डे वड्डे आके ओ वड्डे वड्डे आके हाजरी परनगे, मेरे कोलों लोकी गर जा करनगे। बिसरा चढ़ी रहेगी आकाशिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। दिन दिल च दलील तारीए, शाम जी दे पास अर्ज गुजारीए। सुन लो स्वामी जी, सुन लो स्वामी मेरी अरदासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। सादी हजूरी आगिया नू पाए के, बच्चिया तीस्तरी नू मिला जाए के। चरण तो हुवां ना निराशिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। शाम जी पकड़ो हां, शाम जी पकड़ छाती नाल लगावदा, पै जै विछोड़ा एनी दिल चावदा। दर्शनां दी अजे मुक्की ना प्यासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। बच्चियां नू साडा देवना प्यार जी, असानू ना कीते छड्डणा वसार जी। लम्मे लम्मे नाल ओ लम्मे लम्मे नाल पर दा स्वासिया, लुटदा आनंद विच रणवासिया। घर रोज याद आउंदा, स्त्री बच्चे भी याद आउंदे है, पर भगवान कृष्ण प्रेम इन्ना करदे आ भी उह जान नहीं दिंदे। आखर एक दिन इहने ढंग सोच लिया जाण दा, महाराज जी मैं पिंड नूं जाणा है। सुदामिया कहिंदा चिर होया आया नूं, होर रहो चार दिन। आंदा जी रहण नूं ते दिल करदा है, पर पिछे काम इन्ना जरूरी है भी अज ना ना जावां ते मेरा विगड़दा बड़ा है।
सुदामिया मित्र दा फर्ज़ आ मित्र दा सवारना तेरा विगड़दा है पिछे आंदा मना चाटी तोर आई आखदा नहीं मैं ते आख्या बगा कोई दे के तोर नहीं ते मैं पिंड च बड़ा सरमाएदार बन जांगा जा चल तुर लैके तुर पै दिल च सोचदा है मित्रां दे मित्र पड़दे बड़े रखदे ने कोई कीमती चीज जेब च होनी जिहड़ी शहरों बाहर जाके दे दे सुदामिया तेरे पिंड दा राह आ गया है आंदा जी राह ते मेरे पिंड दा चंगा फिर राम राम चंगा जी राम राम दो कदम तुरिया सुदामिया गल सुन जा दिल च आया भी हुण कोई आया जी कीता छेती ना मुड़िया महाराज जी की गल है गल की दोस्ता जिन्ना चे साडे को रिया तेरी सज्जना मित्रां वाली सेवा कीती है ते घर जांदियां नूं बेसिहाणी ना ना हो जाए जिहड़ी घरों धोती बन के आया ना बन ला ते साडे कपड़े ला दे आंदा मुन्ना जी किस्म दा बंदा है वी कपड़े ला ते धोती बन लई ते जांदा है पिंड नूं आंदा मना मैं चंगा भला सियाणा बंदा फिर पंडताणी दी आखे ला के तुर पिया देंदा इंसान उत्थे जिथों चार पैसे रल के आउण गरीब नूं कौण देंदा है मैं इत्थे कानू आउणा सी मन औखा हो गया नीवां सिर पा के भगत तुरी जांदा दिलों कई विचारां विचारदा है कदे इस्त्री नूं दिलों कोसदा है कदी अपना आप तरकारदा है कदी आखदा एवें खुआर होया अज वेख लीता दिल जारदा है कदी आखदा सुखां दी मीत दुनिया कौन किसे दा दुख चतारदा है कदे आखदा लख कोई रज खावे खै किसे नू पावनी बड़ी औखी ते गल्लां नाल सारे घर करन पूरा हथों कौडी गुआवनी बड़ी औखी ऐ ओ मन नाल गल्लां करदा ते गुस्सा भगवान कृष्ण ते करदा तुरिया जांदा अगर सुदामा हो पिया तियार जी पाके गल वकड़ी ते मिले यार जी देव गाया नेतरा ब्यासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया विद्या करा न दूर तक आया ए कख भी ना उते तली दे टकाया ए होरां दे टुट गए हरासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया जेनू फाड़ के सुदामा बह गया आसा ते उम्मीदां दा सी मैल टह गया दिल विच लगा करन कि आसिया जी करन कि आसिया चले आ सुदामा होए के नरासिया चढ़िया क्रोध कड्डदा बुखार जी इथे आके एवें होए आखुआर जी इथों कदों होवणी सी पूरी आसिया चले आ सुदामा होए के नरासिया अज कल कौन है किसे दा मीत जी घर जानू करे दुनिया परीत जी घर जब घर ना कोई बहिंदा पासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया करो पावे होवे किड्डा ही अमीर जी पैसा कथों देना वड़ना शरीर जी अपने ही मुंह नूं आवदा ग्रासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया गुरु पीर सबे खाण देने यार जी खाण देने यार जी औखी वेले कोई पुछदा नी सार जी तेनू ना आवे मूल तर वासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया भरिया क्रोध दा ओ जावे तुरिया जीवन सविंदर नु छंद फुरिया आप गया जिथे करदा निवासिया ओ करदा निवासिया चले आ सुदामा होए के नरासिया जिदे ते मन औखा हो जाए ओदे विच होवे लख गुण ते इक औगुण होवे ओदा लख गुण नहीं दिसदा ते इक औगुण दिसदा जिदे नाल होवे प्रेम ओदे च होवे लख औगुण ते इक गुण होवे
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣੀ ਦੀਦਾ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਰਕਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖਦਾ ਐਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਯਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੀਤ ਦੁਨੀਆਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖਦਾ ਲੱਖ ਕੋਈ ਰੱਜ ਖਾਵੇ। ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੱਥੋਂ ਕੌਡੀ ਗੁਆਮਣੀ। ਆਂਦਾ ਭਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ, ਆਖਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਚ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਚੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਾਈ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਰਾਸਾ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਡਾ ਖੁਦ ਗਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆ। ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵੇਖਦਾ ਮਨ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਐਡਾ ਅਮੀਰ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਚੁੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਡਾਢਾ ਅੱਜ ਥਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਬਾ ਬੈਠਾ, ਕੌਡੀ ਮਿਲੀ ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਆਉਂਦਾ ਮਨਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਜਾ ਭਜਾ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੂਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰ ਕੜਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਉਬਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਮਾਰਨਾ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੁਆਰਕਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਕਾਨ ਕੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛਿੜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਦੂਰ ਖੜਾ, ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਚੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੇ ਸਾਰੇ।
सोचती है दलिदरी जी ने जान के ही नहीं पाए हुए। दलिदरी जी ने जान के ही नहीं पाए होने। संतरी नू आदि आओ पंडित सामने खड़ा दी दाई आखिया हो उन्हू घर सद। ते पंडित का ध्यान संतरी वाल सी। संतरी ने आवाज मारी पंडित जी। पंडित ने त्रब के चार कदम होर पिछा पुठे पे की गल आ गल की आ भलिया लोग तेन घर की मालकानी सा। आदा क्यों मैं मालकानी का कोई चुक लिया मैनू की आखना सो मेरे को नहीं टाइम गल सुन जोगा मेरा सफर बड़ा है। संतरी ने काले कदम पुटे जाके बहु फड़ लिया पंडिता मैं घर वालिया तो तनखा लेना है रोटी कपड़ा लेना है ते तेनू घर ते एक बार जाना पाएगा उन्होंने हुक्म मैं मनना। ये दस भी बंदिया तरह जाना है कि दूजी तरह आंदा मना चोर ते मैं उन्होंने आए नहीं जे तो उन्होंने पता लग गया थां ये है तो आखन गए रिश्ती कर दे और की करनी है। ते की पता है नवे मकान ने पंडित नू रोटी खवानी होवे चलिए तो सही। संतरी दे नाल गया कंबदा कंबदा पैर दरवाजे अंदर ते मालकानी ने मत्था टेकता चरना ते कांबा लै गया आंदा मना जिन्हें मत्था टेकया है ना ये शरदा भाई है गुस्से नहीं। पंडताणी मत्था टेक के उठी ते उहदे वल वेखी आंदा रब ना भुलाए जनानी मेरी जाप जदों ड्रैस बदलिया होवे ना तेरी गल जदों ड्रैस बदलिया होवे ना उदों कई बार बंदा भुल जांदा है शराबी तुरिया जे गली च ते उहदे घर वाली सब्जी खरीददी सी खलो के ते उहदे वल वेखी जाए उह आंदी आ की वेहना है आंदा है वेहना है भैण जी किते अगे वी तुहानू वेख्या पर उह ते शराब पी के भुल गया ना ते पंडताणी ने ड्रैस बदलिया सी भेस बदलिया सी आंदा पंडताणिया मैं तेनू सियाण लिया जेरे नाल आख दिता आंदी आ पति जी मैं कदों आनी आ मैनू ना सियाणो किसने दीआं गल्लां करदे हो आंदा मैं आना है इन्ना कुछ आया कितने ये किवें बणिया। पंडित पुछदा है पंडताणी दसदी आ इक कविता कह गया पहला सुशीला चरनी सीस चकाउंदी ए गर्म जल करके नान कराउंदी ए सुंदर पशाक रेशमी लिया के पहनाउंदी ए आवो जी आया नू हो मेरी जिंद जान जी कीती ए कृपा सारी मनो भगवान जी लाया ए पाग रब ने कहिंदा सुगम मैनू लगा विश्वास नी खान नू नहीं सी घर विच डंग दी रास नी कित्थों पवा लैदे वड्डे रणवास नी वेख महल मेरी जिंदड़ी कबरांदी ए कालना काली किसे दी बिरथा ना जांदी ए कालना काली किसे दी कहिंदी शशीला कानो कर दे हो शाल जी गए सो जिस दिन तुसी मित्र दे वाल जी आप ते दिता जाके प्रभु नू कल जी कर दे गो खासी आके लगे पहचान जी कीती ए कृपा सारी मनो भगवान जी लाया जे पाग रब ने आखे सुदामा सारी समझी मैं गल नी नाम है जिस दा अड़िए भगत विशालनी
जिथे कोई याद करो जांदा है चलनी सच्चे दिल सेवा कीती प्रभु नू पांदी ए कालना काली किसे दी बिरथा ना जांदी ए कालना काली किसे दी आए भगवान समझो लगा ना पाल जी बाबा विश्वकर्मा नाल आए सी चल जी पला दे विच पवा के दे दे माहल जी पर गए खजाने सानू कर गए धनवान जी कीती ए कृपा सारी मनो भगवान जी लाया जे भाग रब ने कर्मा जो बाई दी सी कर्मा जो बाई दी सी खिचड़ी तेरी जिया पीलनी दे जूठे मिठे बेरा ते पीजिया बिदर दे अलूने साग उत्ते पसीजिया पाके तिहार रिझा लिया कुबना दे बांदी ए कालना काली किसे दी बिरथा ना जांदी ए कालना काली किसे दी मैं भी कुछ जाना पति जी उस दी चाल नो देंदा है मान माने निर्दन कंगाल नो तने दिया मिसिया खा के मन्या सवाल नो साडे भी चौर दरते हो गए परवान जी कीती ए कृपा सारी मनो भगवान जी लाया जे भाग रब ने आजा हुण रल के गुण गालिए उस दे मैं भी बख्शाला बचना कदे जोरोस दे जीवन सिंह कहिंदा ना तो किसे नो दोष दे याद प्यारे दी जो रहिंदी तड़फांदी ए कालना काली किसे दी बिरथा ना जांदी ए कालना काली किसे दी आपां आरंभ कीता सी दर्भवंत दर्भ देख गर्भ भूमवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारे जैसा बित तैसा वह वरते अपना बल नहीं है ये कुछ पींदे समाप्त करते हैं अगला प्रोग्राम श्रवण करो सत श्री अकाल।